dissolved solids. Suspended solids. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे मैं ऐसे लिखूंगा. और टोटल सॉल्ट्स, क्या मतलब होता है इसका? अच्छा, ये डिजॉल्व सॉलिड्स को हम लोग टीडीएस के नाम से भी जानते हैं. डिजॉल्व सॉलिड्स को हम लोग टीडीएस के नाम से भी जानते हैं. टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स. क्या रिलेशन होता है, क्या मतलब होता है इन सब चीजों का? अलग अलग टर्म है, क्या क्या डिफरेंस है, क्या ये सब सेम है, डिस्कस करते हैं. डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे सॉलिड्स जो कि पानी में पूरी तरीके से घुल गए, पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गए, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे? डिजॉल्व्ड सॉलिड्स. सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड्स वो सॉलिड्स होंगे जो कि पानी में तैर रहे हैं, है ना, सस्पेंशन के फॉर्म में, है ना, खुले नहीं है, है ना, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन. ओके, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं और पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हुए हैं. बहुत ही फाइन उसमें है साइज में, और कंप्लीटली पानी के जो भी वॉल्यूम है उसमें सभी जगह ये मौजूद है. ओके, डिजॉल्व अलग चीज होता है, सस्पेंशन अलग चीज होता है. डिजॉल्व में क्या होता है, जैसे हम बात करें कि नमक, नमक NaCl डालोगे पानी के अंदर तो वो डिजॉल्व हो जाता है. वेर एज इफ वी टॉक अबाउट द शुगर, शुगर मेक्स सस्पेंशन. क्या फर्क है? शुगर पानी के अंदर जाकर के टूटती नहीं है, है ना, वो C6H12 या O6, आई थिंक C12H22 O11, ऐसी कुछ रहता है शुगर का फॉर्मूला, मैं भूल गया हूँ. ओके, तो शुगर टूटती नहीं है, वो पानी के अंदर बहुत ही महीन उसमें हो जाती है, शेप में या साइज में, और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होती है वहां पे जाकर के वो शुगर के मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं. ओके, वेयर इज इफ वी टॉक अबाउट द NaCl, इट इमीडिएटली गोज इन द ब्रेक डाउन ऑफ Na+ एंड Cl-. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिएक्ट्स विद द वॉटर. ओके, तो NaOH एंड HCl, आई थिंक दिस रिएक्शन हैपेंस. ओके, तो डिजॉल्व सॉलिड्स, हमारा नमक डिजॉल्व हो जाता है, वेयर एज सस्पेंशन सॉलिड शुगर डिजॉल्व नहीं हो रही, वो बहुत ही टूट नहीं रही है, वो बहुत ही छोटे छोटे फाइन शेप में हो गई है, और इन बिटवीन द स्पेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट इज प्रेजेंट देयर. ओके, तो सस्पेंडेड सॉलिड पता चल गया, डिजॉल्व सॉलिड्स पता चल गया. अच्छा हाँ, तो फिर टोटल सॉलिड्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड्स पता चल गया तो टोटल सॉलिड्स इनका समेशन होता है.
dissolved solids plus suspended solid will be equal to the total solids. Okay, तो कैसे हम dissolved solids, कैसे suspended solid या कैसे हम लोग total solids को measure करेंगे, इसके क्या तरीके होते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अच्छा एक और बात कि ये जो सॉलिड्स होते हैं है ना, इनका नेचर हो सकता है आइदर दे कैन बी ऑर्गेनिक और दे कैन बी इनऑर्गेनिक, बोथ दे कैन हैव बोथ टाइप ऑफ नेचर. ओके, तो ये भी एक है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पता करो कि भाई जो भी सॉलिड्स मौजूद हैं वो आइदर दे आर ऑफ ऑर्गेनिक इन नेचर और दे आर ऑफ इनऑर्गेनिक इन नेचर. तो अगर पानी के अंदर मौजूद टोटल सॉलिड्स को, सबसे पहले हम टोटल सॉलिड्स की बात करते हैं कि टोटल सॉलिड्स को कैसे मेजर कर सकते हैं. तो टोटल सॉलिड मेजर करने के लिए सिंपल आसान सा तरीका है कि पानी को उठाओ और गर्म कर दो. गर्म करने के बाद क्या होगा, पानी हमारा इवेपोरेट हो जाएगा और जो भी अभी पानी के अंदर लेफ्ट आउट रह जाएगा वो केवल केवल टोटल सॉलिड्स हैं. ठीक है, तो कैसे गर्म करें, कितना गर्म करें और क्या बोलते हैं इस चीज को. तो गर्म करके मेजर करने के जो भी रेसिडुअल होता है इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविमेट्रिक मेथड. पानी लिया हमने, इसके अंदर टोटल सॉलिड्स मौजूद थे, इसको हमने गर्म किया, पानी निकल गया, अब यहाँ पे केवल और केवल रेसिड्यू रह गया है. ओके, अच्छा ये जो टेम्परेचर है ये अराउंड 104 से 105 डिग्री के आसपास रखते हैं. ठीक है, और पहले पानी को मेजर कर लेना कि यहाँ पे कितना पानी है. फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर है और इसको गर्म किया है ना, 1 लीटर पानी आपका इवेपोरेट कर गया. अब जो लेफ्ट आउट है वो मान लो कि 2 ग्राम सस्पेंडेड या टोटल सॉलिड्स आपके वहां पे मौजूद है. तो जो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2 ग्राम पर लीटर है ना, 2 ग्राम पर लीटर. ओके, पर ये जो सस्पेंडेड सॉलिड है इसमें दोनों ही मौजूद है, ऑर्गेनिक भी मौजूद है एज वेल एज इनऑर्गेनिक भी मौजूद है. बट अगर इनमें से इनऑर्गेनिक के बारे में पता करना है या ऑर्गेनिक के बारे में पता करना है तो क्या करेंगे, इसी रेसिड्यू को हम फिर से गर्म करेंगे डिग्री तक. और काहे में गर्म करेंगे, मफल पर लेंस. मफल फर्नेस के अंदर इसको हम गर्म करेंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम मफल फर्नेस के अंदर इसको गर्म करेंगे तो जो भी ऑर्गेनिक नेचर का मटेरियल होगा वो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और वेयर एज जो भी बचा होगा आफ्टर दिस मच ऑफ हीट थ्रू गोइंग थ्रू मफल फर्नेस वो केवल और केवल इनऑर्गेनिक होगा. ओके, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों ही, और यहाँ पे केवल जो बचेगा वो इनऑर्गेनिक होगा. ओके, ऑर्गेनिक जो भी होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा.
तो ये सारी कहानी है। किस तरीके से हम टोटल सॉलिड्स की जानकारी लेते हैं, किस तरीके से उसको डील करते हैं। ओके अच्छा, ये तो हमें टोटल सॉलिड्स की कहानी पता चल गई। अब बात करते हैं कि हमें मान लो कि फॉर एग्जांपल अलग अलग पता करना है कि डिसॉल्व सॉलिड्स कितने हैं या सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं, तो इनके बारे में पता करना है। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए तो बहुत आसान सा तरीका है, सस्पेंडेड सॉलिड की बात करें तो हमें सैंपल को पहले छान लेना है ना। सैंपल को हमने छान लेना है एक फिल्टर के थ्रू, और उस फिल्टर के ऊपर जो भी रह जाएगा वो सस्पेंडेड सॉलिड हो जाएगा, और पानी के अंदर से जो कुछ भी पास कर जाएगा वो क्या होगा, सॉरी उस फिल्टर के थ्रू जो भी पास कर जाएगा वो क्या होगा, हमारा डिसॉल्व सॉलिड्स हो जाएगा। अब ये जो सस्पेंडेड सॉलिड आ गया है, इसको भी अगर आप गर्म करोगे है ना, तो मतलब देखो जो फिल्टर आएगा ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर के साथ सस्पेंडेड सॉलिड होगा, तो वो मॉइस्चर उड़ा दोगे है ना हल्का सा थोड़ा सा हीट करके, अराउंड 104 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सेम यही कहानी। और तो जो मिलेगा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों काइंड का वो होगा हमारा सस्पेंडेड सॉलिड, और इसी सस्पेंडेड सॉलिड को फिर से हम 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक मफल फर्नेस में गर्म कर देंगे। तो अब जो कुछ भी बचेगा वो इनऑर्गेनिक का टाइप का हमारा सस्पेंडेड सॉलिड बचेगा। ठीक है, तो टोटल सॉलिड्स पता चल गया, सस्पेंडेड सॉलिड पता चल गया, और अगर हम बात करें डिसॉल्व सॉलिड्स, तो ऑब्वियस ही बात है आप टोटल सॉलिड्स में से सस्पेंडेड सॉलिड घटा दोगे तो डिसॉल्व सॉलिड्स होगा। ओके तो इस तरीके से हम तीनों टाइप के सॉलिड्स के बारे में कैलकुलेशन करते हैं और कौन सा सॉलिड टाइप को निकालते हैं। ओके तो ये है पूरी कहानी। ये जो तरीका है कि पानी को गर्म करके उसको, ये जो तरीका है जिसमें पानी को हम गर्म करके उसके अंदर मौजूद सॉलिड्स की कैलकुलेशन करते हैं, इसको तो ग्रेविमेट्रिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। सैंपल लेंगे पानी का, ओके इसको अगर हम फिल्टर से पास कराते हैं, फिल्टर से पास कराते हैं तो भी जो फिल्टर के ऊपर मौजूद रह जाएगा वो होगा हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स, बोथ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। ओके और अब हम इसको गर्म करते हैं लेके जाओ हर जगह क्लास वो सस्पेंडेड सॉलिड होगा इनऑर्गेनिक नेचर। ओके तो टोटल सॉलिड्स की कहानी हो गई, और ये नीचे जो कहानी है अच्छे से लिख रखी है मैंने, ये हो गई कहानी हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स की। ओके अब ऐसी बात है, डिसॉल्व सॉलिड्स आपको निकालने हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है।
तो ये सारी बातें हो गई अबाउट कैसे क्या होता है और कैसे इनको मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके साथ इश्यूज क्या क्या आते हैं कि क्यों हम परेशान है कि पानी में हमारे सॉलिड मौजूद हैं कि नहीं मौजूद। देखो, अगर पानी के अंदर हमारे टोटल सॉलिड्स या सस्पेंडेड सॉलिड्स मौजूद हैं तो सबसे पहली बात, देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। दे विल डेफिनेटली कॉज टर्बिडिटी, है ना। टर्बिडिटी होगी जो कि देखने में अच्छी नहीं लगेगी। एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग इट वुड बी। किसी को भी साफ पानी दोगे, भले ही उसमें सस्पेंडेड सॉलिड, अगर उसमें सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा मात्रा में है तो दैट गाय वुड नॉट बी विशिंग टू ड्रिंक दैट वाटर। ओके, अब सस्पेंडेड सॉलिड के साथ एक और दिक्कत की बात रहती है। मान लो कि किसी पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड मौजूद है तो दैट विल प्रोवाइड द एब्जॉर्प्शन साइड, है ना। अच्छा, मैं एक और इसमें मेंशन कर देता हूँ, फैक्ट्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला क्या है हमारा, ओके, स्पेलिंग देख लेना, गलत हो गई मेरे से। चार बना देता हूँ। ओके, एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग। साथ ही साथ अब मान लो कि पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड मौजूद है और कोई केमिकल आता है, है ना, सॉरी कोई पैथोजन आता है, तो उसको आसानी से एक जगह मिल जाती है जहां पे वो आसानी से बैठ सकता है, है ना, खुद की पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है ना। तो दे प्रोवाइड द एब्जॉर्प्शन साइट, है ना, एब्जॉर्प्शन साइट प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे पैथोजेंस की। इसके साथ ही साथ केमिकल भी आकर के, कोई केमिकल मौजूद है अगर पानी के आसपास तो दैट में कम इन वाटर एंड फाइंड द प्लेस, है ना। तो ये एक दिक्कत हो जाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि दे प्रोवाइड द एब्जॉर्प्शन साइट, ये एब्जॉर्प्शन साइट को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अब बात करते हैं। अच्छा, सस्पेंडेड सॉलिड अगर पानी में मौजूद होंगे तो ये इंटरफेयर करेंगे इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस। कैसे इंटरफेयर करेंगे, कहीं पे भी मतलब पानी के अंदर सॉलिड्स वगैरह मौजूद हैं तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में दिक्कत कर सकते हैं, है ना, हमारे फिल्टर्स जल्दी चोक हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ओके, साथ ही साथ लिख देता हूं मैं इसको, इंटरफेयर्स ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओके, अब बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिक जो होंगे दैट मे प्रमोट द पैथोजेंस, है ना, और साथ ही साथ ये अगर ज्यादा मात्रा में तो ये इंक्रस्टेशन कर सकते हैं, इंक्रस्टेशन पाइप्स के अंदर, है ना, या कहीं पे भी पंप के अंदर जहां पे भी ये फ्लो कर रहे हैं, है ना, या रिजर्वायर के अंदर। क्या कहने का मतलब है, देखो पाइप कभी कदार जब नया पाइप लाते हैं तो वो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका काम कर रहा होता है। धीरे धीरे समय के साथ हम ये पाते हैं कि पाइप के अंदर कुछ गंदगी जम गई है ना। ये गंदगी जमने के बहुत सारे वजह हो सकते हैं, है ना। उन बहुत सारी वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह है पानी के अंदर मौजूद सस्पेंडेड सॉलिड्स। अगर पानी के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में सस्पेंडेड सॉलिड्स मौजूद हैं तो वो धीरे धीरे वहां पे इनक्रस्टेशन कॉज करने लगेंगे। ओके, तो
पहला क्या हो गया, और तो ये सारी दिक्कत रहती है हमारे सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से। अच्छा, मेजरमेंट का मैंने एक तरीका बताया था कि आप ग्रेविमेट्रिक मेथड बताया, ग्रेविमेट्रिक मेथड बताया, जिसमें क्या करते थे, जस्ट छाना गर्म कर दिया और तौल लिया, है ना, हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ कितने सस्पेंडेड सॉलिड मौजूद हैं। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने घरों में कोई भी आरओ वगैरह बेचने आता है तो होते कैरी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला इंस्ट्रूमेंट ये कैरी करते हैं अपने साथ, और पानी के अंदर तुरंत ही इंसर्ट करके, कोई भी सैंपल में इंसर्ट करके तुरंत ही हमें बता देते हैं कि देखो अरे भाई इसमें बहुत सारा काला काला आ गया और इसमें इतने सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स या टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स मौजूद हैं। जनरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फर्क नहीं करती है इन बिटवीन द सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड द डिसॉल्व सॉलिड्स, ओके, ये टोटल को बताती है, ओके अच्छा, साथ ही साथ इसके साथ क्या दिक्कत है, ये केवल और केवल उन्हीं सॉलिड्स को पकड़ती है जो कंडक्टिविटी शो करेंगे। कंडक्टिविटी कैसे शो करेंगे, दे आर इन द आयनिक फॉर्म, है ना, वो अपने आयंस के फॉर्म में होंगे तभी वो यह कंडक्टिविटी शो करेंगे, ओके, तो ये बात रहती है। तो दूसरा जो मेथड होता है उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में से नाम से भी जानते हैं, ओवर सॉरी उसके ऊपर मर्ज कर गया वो, बट समझ में आ रहा है क्या लिखा उधर, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट कैसे ये काम करता है, काफी हद तक ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होती है। और ये वाला जो रहता है हमारा एग्जैक्ट रहता है ना, ग्रेविमेट्री मेथड हमें एग्जैक्ट डेटा देता है, और वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये हमें अप्रोक्सीमेट डेटा देती है। क्यों देती है, बिकॉज इट रिएक्ट्स द आयंस ओनली, ओके अच्छा, क्या करते हैं इसमें, पानी का एक सैंपल लेते हैं, उसके थ्रू करंट पास कराते हैं, और उसकी कंडक्टिविटी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरली हम इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम मेजर किसमें करते हैं, माइक्रो मोह में,
माइक्रो मोह में मेजर करते हैं। मोह क्या बताता है हमें? कंडक्टिविटी बताता है। और एक और चीज हमने पढ़ी थी एक जमाने में, ओम। ओम हमें रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम मेजर कर लेते हैं पानी की जो भी हमारी आती है बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो टीडीएस कैसे निकलेगा अभी तो हमने ये पता किया है। तो इसमें अगर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करी है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, ओके, तो ये जो आई है इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.65 का, तो ये हमें किसके बराबर देगा? TDS के बारे में बताएगा। This will give us the value of TDS in water in milligram per liter. Okay? तो ये तरीका होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू इसको लेने का, TDS को कैलकुलेट करने का। अच्छा, ये 0.065 का क्या है? ये एक फैक्टर है जो कि बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। जनरली इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से सॉल्ट प्रेजेंट है हमारे पानी के अंदर, ओके। तो ये सारी बातें हो गई हमारे इसके बारे में, किसके? टोटल सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिसॉल्व सॉलिड्स के बारे में। अच्छा, एक दो बातें और इसके बारे में बोलना चाहेंगे कि काफी कैसे ये काफी हद तक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है। देखो, हमारे जो पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। जैसे कि मैंने माइक्रो मोह एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन किया। क्यों मेंशन किया? क्योंकि इट इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट वेरीज। हाउ इट इज वेरी? इट वेरीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। भले ही और साथ ही साथ डिजॉल्व सॉलिड्स भी मौजूद होंगे तब भी वो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो अगर आपको हायर कंडक्टिविटी मिल रही है, हायर TDS मिल रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पानी के अंदर सच में TDS ज्यादा हो। देयर आर चांसेस कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो या पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो, ओके। तो इसीलिए हम जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो वी स्टिक टू द टेम्परेचर, दैट इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अदरवाइज वी वुड get drastically wrong value, okay? अच्छा, ये जो चीज होता है इसको हम डाई आयनिक वाटर टेस्टर भी बोलते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको मेजर करते हैं, इसको हम डाई आयनिक वाटर टेस्टर के नाम से भी जानते हैं, ओके। जनरली कुछ नहीं होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं और उनके बीच हम करंट पास करा के देख लेते हैं, है ना, हमें पता चल जाता है, ओके। तो ये सारी बातें थी अबाउट द सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स एंड टोटल सॉलिड्स, ओके।